इस वीडियो में हम बात करते हैं राजस्थान में नव जिलों का जो गठन हुआ है उसके अंतर्गत नेक्स्ट जिला दर्शन की। और पिछले वीडियो में हमने अनूपगढ़ जिला दर्शन जो है उसके बारे में जानकारी ली थी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे जिला दर्शन के अंतर्गत जिला बालोतरा की। जिला दर्शन का मतलब ये कि हम छोटी छोटी जानकारी ले रहे हैं, जिला दर्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है कि कौन क्या है कहाँ से है। आपको ये बता दिया गया है कि कौन से प्रश्न कैसे बनते हैं, राजस्थान में कितने नवगठित जिलों का जी घोषणा की गई, कितने बने हैं, कौन कौन से बने हैं, कौन सा है अवरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब कौन कौन से है, निम्न में से कौन सा नहीं है, है ना, और कौन सा जिला पूर्व में किस जिले से भिन्न होकर बना है, ये भी प्रश्न जान रखना है। जैसे है ना, अपने अनूपगढ़ के बारे में जाना तो वो गंगानगर से अलग हुआ था। अगर हम बात करें अगला जो हमारा नेक्स्ट जिला दर्शन रहेगा आज, वो रहेगा बालोतरा, जो कि पूर्व में जो था ये बाड़मेर में था। बालोतरा बाड़मेर में था और ये बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा किस जिले से अलग हुआ था, बाड़मेर से अलग हुआ था बालोतरा, और ये खुद जो है एक नया जिला बन गया है। तो सबसे पहले हम इसका मैप देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा मैप है, गोल गोल सा मैप है, घोड़े की जो नाल है उसके समान हम इसे कह सकते हैं, है ना। ये हमारा बालोतरा रहेगा नया वाला, ठीक है, ये हमारा बालोतरा रहेगा जो बाड़मेर से अलग हुआ था। अच्छी तरह से आप इसे देख सकते हैं ना, अच्छे खासा बहुत अच्छा दिया है इन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से। ये बालोतरा जो है बाड़मेर से अलग हुआ है और ये खुद बालोतरा एक तरह का जो है मुख्यालय रहेगा। तो ये किससे अलग हुआ है, बाड़मेर से अलग हुआ है, किन किन तहसीलों को मिलाकर, बांसवाड़ा जिले की किन किन तहसीलों को मिलाकर खुद बालोतरा एक जिला बन गया है उसके बारे में हम देखते हैं। उपखंड देखिए, उपखंड में कई तहसीलें हैं, अगर उपखंड की बात करें तो चार उपखंड है, कितने उपखंड है, चार उपखंड है। बालोतरा जिला जो कितने उपखंडों से मिलकर बना है, ये चार उपखंडों से मिलकर बना है। और एक उपखंड में कितनी तहसीलें हैं, एक उपखंड में दो तहसीलें हैं, तो दो एकम दो, दो दूनी चार, होती है अच्छी, ठीक है ना, दो दो चार पाँच छः और एक सात तहसीलों से मिलकर बना है और चार उपखंडों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं उनके बारे में नाम। उपखंड अगर हम बात करें तो बालोतरा खुद एक उपखंड है और इसकी दो तहसील, पचबंद्रा एक तरह की आप जानते हैं कि झील है, पचबंद्रा बाड़मेर में है। अब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा पचबंद्रा जिल कहाँ है, तो ये कहाँ होगी, किस जिले में स्थित है, ये बाड़मेर जिले में, सॉरी बाड़मेर पहले थे, अब बालोतरा तहसील में पचबंद्रा रहेगी। तो ये भूगोल इस तरह से डगमगा गया है पूरा का पूरा। आइए हम अगला देखते हैं कल्याणपुर, ये किसकी तहसील है, कल्याणपुर और पचबंद्रा किसकी तहसील है, बालोतरा की तहसील है। सिवाना बाड़मेर में था, बाड़मेर जिले में था, ठीक है ना, तो अब किस जिले में आएगा, सिवाना, सिवाना जो दुर्ग है आप जानते हैं, है ना, सिवाना दुर्ग जो है बालोतरा जिले में आ जाएगा, ठीक है ना। समदड़ी एक तहसील है, बायतू ये भी एक तरह की अपने तहसील है, ये बायतू अपने एक तहसील है। गिड़ा आपके एक तहसील है, और सिंहदर आपकी क्या है, सिंहदर। तो पचबद्रा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गीड़ा और सिंहदरी, ये सात तहसीलों से मिलकर आपका बालोतरा जिला बनेगा, समझ गए ना। बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिंहदरी, ये चार उपखंड मिलके जिला बनाएगा आपका बालोतरा, ठीक है ना। तो पचबद्रा झील बाड़मेर में थी, अब किस जिले में चली गई, बालोतरा में चली गई, क्यों, उसी से तो अलग हुआ है ना, ये सिवाना बाड़मेर में जो है ये आपका बालोतरा जिले में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं हम, जो जानकारी ले और सिर्फ हमारे पढ़ाई की दृष्टि से ले रहे, ना कि सामान्य जानकारी, ठीक है ना। तो हमने जिला दर्शन छोटा छोटा देख लिया है ऊपर से, अब मुझे नहीं लगता कि देखिए हम एक ही वीडियो में चाहे तो बात कर सकते हैं, 10-15 मिनट में एक वीडियो बन जाएगा, लेकिन हमें अलग अलग जिलों के दर्शन अलग अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ में आता है, आप जानते रहे एक एक वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं फिर से नए जिला दर्शन के साथ जो नवगठित जिले हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।